हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी ये जो वीडियो है ना, कोई ऐसे टॉपिक पे नहीं है। मेरा मन बस ऐसे ही हो गया अब थोड़ा सा बात करने का। ऑल दो हम इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाना चाह रहे थे, पर इतना कुछ हो गया है कि अब लगा कि एक राय अपनी रखनी चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं, आज से नहीं है का हमेशा से ये हो रहा है, जब से यूट्यूब थोड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक में आ गया है, एक अर्निंग सोर्स की तरह आ गया है, तो लोग हमेशा बुरी बुरी चीज़ों पे भी वीडियो बनाते हैं। एंड यू नो, एक्सट्रीमिज्म की कोई हद नहीं होती। बट सबसे बुरा तब लगता है ना जब कोई किसी के भी घर में किसी की डेथ हो गई है, किसी की भी, चाहे वो क्लोज हो या दूर का रिश्तेदार हो, कोई भी हो, उस पर वीडियो बना रहे हैं और उस पर पैसे छापने की कोशिश करें, क्योंकि ऑब्वियसली आपका चैनल मोनेटाइज्ड है, आपने उस वीडियो को भी शायद मोनेटाइज्ड करके रखा ही है क्योंकि उस पर एड्स चल रहे हैं, और डेड बॉडी के साथ अलग अलग एंगल से फ़ोटोज़ ले रहे हैं, वीडियोज़ ले रहे हैं, रोने वाले के वीडियोज़ निकाल रहे हैं। जब भी कुछ भी हो रहा है, कोई भी इंसान किसी के गले लग के रो रहा है या कोई भी ऐसी इमोशनल बात हो रही है, तब आपका कैमरा उठ जा रहा है। आप कर कैसे ले रहे हैं ये सब, यू नो, मतलब अगर आपके घर का कोई करीबी, आपके इमीडिएट फैमिली मेम्बर, माँ बाप, भाई बहन, भगवान न करे अगर किसी के भी माँ बाप, भाई बहन, किसी की भी डेथ होती है, फिर चाहे वो किसी भी एज का हो या किसी बीमारी के कारण कम एज में चला गया हो, तो ये हिम्मत आती है क्या कि आप कैमरा उठा सकें और वीडियो रिकॉर्ड कर सकें, फ़ोटोज़ ले सकें, एंड एंगल्स भी आपको देखने हैं कि किस एंगल में डेड बॉडी की अच्छी फ़ोटो आ रही है, जो उस पर पटक पटक के रो रहा है उसकी अच्छे एक्सप्रेशन आ रहे हैं या नहीं। रिसेंटली मेरे घर में भी एक डेथ हुई है, एक महीना भी नहीं हुआ है, मेरे बहुत ही करीबी, मेरे एक फैमिली मेम्बर की, मेरे मौसा जी की डेथ हो गई है। पर उस डेथ के बाद हम सब हिल गए हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं बाहर नहीं जा रहे, या मेरी जॉब है तो हम जॉब पे नहीं जा रहे, काम नहीं कर रहे हैं, हंस नहीं रहे हैं, बट अंदर से एक खोखलापन समझ में आ रहा है। वो तो मेरे मौसा जी थे, पर जिनके माँ बाप मर रहे हैं या कुछ भी इस तरह, जो बिल्कुल इमीडिएट हैं, बिल्कुल क्लोज है, उनके कारण ही आप दुनिया में आए हैं, उनके डेथ पे भी आप तमाशा बना रहे हैं, क्या रस्में होंगी, क्या जाएगा नहीं जाएगा डेड बॉडी। अरे भाई चलो ठीक है, एक अपडेट देना समझ में आता है कि आप कुछ भी ऐसा हुआ है, एक दुर्घटना घट गई है घर में, तो एक अपडेट आप देंगे, आई अंडरस्टैंड दैट। पर एक छोटा सा वीडियो बना करके या एक पोस्ट डाल के भी अपडेट दिया जा सकता है ना कि अभी ये आदमी हमारे बीच नहीं रहे, तो इनकी आत्मा की शांति के लिए प्रे कीजिए। क्यों नहीं रहे, कैसे नहीं रहे, ये भी बताना समझ में आता है, पर ये सब बाद में होना चाहिए। डेड बॉडी के साथ फ़ोटोज़ डालना, वीडियोज़ बनाना, अलग अलग एंगल से बनाना, ये कहाँ की मानसिकता है, कहाँ की समझदारी है, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग। फिर कहते हैं कि हम हमारी मेमोरी, अरे उस वक्त जब कोई मर गया है आपके घर का, या कुछ भी ऐसा सेंसिटिव इंसिडेंट हुआ है, तो क्या आपको मेमोरी बनाना याद रहता है उस इंसान के साथ जो अब हमारे बीच नहीं है? उसके साथ कितनी सारी अच्छी यादें हैं, कितनी सारी अच्छी मेमोरीज हैं, क्या वो इनफ नहीं है? आई जस्ट वॉन्ट टू नो दिस। मेरा चैनल ऑब्वियसली मोनेटाइज नहीं है, काफ़ी छोटा सा है, व्यू भी बहुत ज़्यादा नहीं आते, हम कोई तमाशा नहीं करते अपने चैनल पे। अगर हम चाहें तो बहुत सारा तमाशा दिखा करके, इस तरह के बहुत सारी यू नो न्यूडिटी दिखा करके आराम से व्यूज़ और सब्सक्राइबर ले सकते हैं, पर नहीं, वो गंदगी नहीं फैलानी है अपने चैनल पे, तो नहीं करेंगे, ना आज करेंगे ना कभी और करेंगे। इस चैनल पे सिर्फ हम अपनी अच्छी बातें रखेंगे, एक पूरी बात किसी का अपडेट ज़रूर रख देंगे, जैसे कि बहुत क्लियरली यहाँ पे बताते कि एक बार हमको भी एक बीमारी हुई है, बहुत बड़ी बीमारी हुई है, और उसके बारे में सबको नहीं पता है, सब उतना नहीं समझ पाते, हम भी नहीं जानते थे, तो हम ये सोचे हैं कि कभी एक वीडियो हम उस पर ज़रूर बनाएंगे, पर ये बस सोचे ही है, ऐसा नहीं है कि एकदम बनाना है या उसका कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। कभी अगर मन किया, फ्री रहें, उतना टाइम रहा, तो ज़रूर बनाएंगे, पर अभी मेरी लाइक 10 आवर्स की जॉब है एवरी डे, तो टाइम उतना मिल नहीं पाता जनरल वीडियोज़ बनाने का भी, तो इस तरह के टॉपिक्स पे तो नहीं मिल पाएगा, बट एक अपडेट देना अलग चीज़ है। बट सबसे बुरा लगता है ना जब कोई मर जाता है, कोई भी इस तरह की सेंसिटिव चीज़ होती है, उस पर आप पैसे छापने लगते हैं, एंड आप पैसे छापते हैं, आप कितना भी कह लेना कि आप में मेमोरी है, ये अगर मेमोरी है तो उन सारे वीडियोज़ के मोनेटाइजेशन ऑफ कर दो, उस पर एड्स नहीं चलने चाहिए अगर मेमोरी है तो, है ना। और अगर मेमोरी है तो सब कुछ हो जाने के बाद डालो ना वीडियोस, अपडेट बता दो कि हाँ ये इंसान हमारे बीच नहीं रहा, पर ये करना कि आप अभी ही डालेंगे, आई डोंट थिंक इट्स वेरी इनसेंसिटिव, वेरी वेरी इनसेंसिटिव।
ऊपर से अब ये जो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में, जो ब्रूटल रेप एंड मर्डर का केस हुआ है, उस डॉक्टर के बारे में भी लोग बस इनसेंसिटिव लोगों की तरह बस क्योंकि एक ट्रेंडिंग टॉपिक मिल गया है तो बस बातें करनी है। अभी एक बहुत ही सो कॉल्ड फेमस इन्फ्लुएंसर है, जो अपने आप को फेमस कहती हैं, उन्होंने तैयार होते हुए, मेकअप करते हुए, आउटफिट्स दिखाते हुए, हंसते गाते खेलते कूदते रील बनाई और उस पर वो कोलकाता रेप केस के बारे में बात कर रही। मतलब आप देखो ना कि आपके रील का सब्जेक्ट क्या है और आप बात किस बारे में कर रहे हैं। अगर आप इतने सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या आपके रील का टॉपिक ऐसा, मतलब इतना तैयार हो करके, बैकग्राउंड सेट करके, सब करके, देख करके कि मेरा मेकअप परफेक्ट है या नहीं, आउटफिट परफेक्ट है या नहीं, ये सब देखा जाता है क्या? क्या आपको ज़रा भी डर नहीं लग रहा कि अगले विक्टिम शायद कोई हो सकता है आपका करीबी, आप या फिर हम भी हो सकते हैं? इस बात से तो मेरा दिल दहल रहा है। मेरी भी नाइट शिफ्ट चलती है, बट इट्स वर्क फ्रॉम होम तो ठीक है, बट कभी अगर मेरा वर्क फ्रॉम होम ख़त्म हो गया तो नाइट शिफ्ट मेरी भी चलेगी। सोच सोच कर तो मेरा दिल दहल रहा है, बिकॉज आई एम अ वुमेन, आई कैन फील द पेन। उसका दर्द हम 100% नहीं समझ सकते, ना ही हम उस लड़की का दर्द, भगवान ना करे किसी को समझना पड़े आने वाले टाइम में। जैसा एक निर्भया के साथ हुआ था वैसा ही एक केस है, और पता नहीं इतने से यहाँ पे कितने सारे केसेस हुए होंगे जो अननोटिस चले गए, जिसका कोई रिपोर्टिंग भी नहीं हो पाया। हो सकता है वो भी ब्रूटल ही हो, बट मेरे थिंकिंग में तो सारे रेप ही ब्रूटल हैं। ये जो क्राइम है ना, ये जो वर्ड है रेप, किसी का बलात्कार करना ही ब्रूटल है। इसमें ब्रूटैलिटी की हद होनी ही नहीं चाहिए कि अगर जैसे निर्भया के साथ हुआ था, कुछ कोई ऐसा रॉड बॉडी के अंदर डाल दिया गया या आंखें फोड़ दी गई, ब्रेस्ट काट लिए गए, तो ही ब्रूटल कहेंगे। इफ़ इट्स रेप, इट्स ब्रूटल, मेरा ये मानना है। बाकी लॉ तो अपने हिसाब से काम करता है, बहुत बार तो लॉ बिल्कुल इलॉजिकल हो जाता है। रेप करने वाला को ये पता है कि रेप क्या होता है और कैसे किया जाता है, बट अगर वो अंडर 18 है तो वो जुवेनाइल है और वो बच्चा है और इसीलिए उसे सज़ा नहीं मिलेगी। तो वो शायद वो जुवेनाइल यहीं कहीं घूम रहा हो मेरे आसपास, ये सोच सोच के तो हम भी डर जाते हैं भाई कि वो जो इतना सीरियस वो एक क्रिमिनल है, कहीं मेरे आसपास ना घूम रहा हो। तो वो जो इन्फ्लुएंसर, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर हैं, वो कैसी कैसी बातें, मतलब इस इतने सेंसिटिव टॉपिक पे आप क्या रील बना करके बात कर रहे थे? और उसके बाद उन्होंने वो रील डिलीट कर दी ऑब्वियसली, जब उन्हें हेट मिलना शुरू हुआ तो। बट जो नुकसान होना था हो गया, सबके पास पहुंच गए। वो रील को हम भी लाइव देखें, डिलीट होने से पहले देखें। आई डोंट फॉलो हर एनी हाउ, कहीं भी नहीं फॉलो करते, बट आ गया था फीड पे तो दिखा, तो आई वॉज सरप्राइज्ड कि आप लोग इन्फ्लुएंसर कहते हैं खुद को। एंड जो भी आपके जो फॉलोअर्स होते हैं ना, तो आपकी लाइफ से वो इंस्पायर्ड हो जाते हैं थोड़े, जैसे सेलिब्रिटीज से हम इंस्पायर्ड होते हैं, फ़ैन होते हैं, वैसे ही वो भी आपके फ़ैन बन जाते हैं। तो आप अपने फ़ैन पे क्या क्या असर छोड़ रहे हैं, क्या इनसेंसिटिविटी आप सिखा रहे हैं अपने ऑडियंस को? कि कोई मर गया है उसकी डेड बॉडी के साथ वीडियो बनाओ, किसी बेचारी के साथ रेप एंड मर्डर हो गया, उसके माँ बाप रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उन्हें जस्टिस नहीं मिल रहा, ना कोई रास्ता दिखाई दे रहा है कोई जस्टिस मिलेगा या नहीं, उस पर मेकअप करते हुए, आउटफिट चेंज करते हुए वीडियो बनाओ। आज भी हम ये वीडियो नहीं बनाना चाहते थे, पर मेरा इस इंसिडेंट के बाद ना, मतलब आज लगा कि नहीं, बात इस बारे में मेरे चैनल पे भी एक बात हम कर ले। एंड ऑब्वियसली मेरा चैनल कोई मोनेटाइज चैनल नहीं है, और अगर होता तो भी हम इस वीडियो पे मोनेटाइजेशन ऑन नहीं करते। और ये जो इतनी तैयारी आप देख रहे हैं, तो आज है सावन का लास्ट सोमवार, इससे पहले वाली रील आप जाकर देख लीजिएगा, तो इसलिए हम थोड़ा रेडी थे आज। और आज रक्षाबंधन भी है, अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि वीडियो के लिए रेडी हुए। बट लोगों में शायद सेंसिटिविटी ख़त्म होती जा रही है, और शायद नहीं, हो गई है, ख़त्म ही हो गई है। मतलब आपके घर में लाश पड़ी है, और जो भी आदमी वो वीडियो बना रहा था, या तो छोटा बच्चा या कोई बड़ा या जो भी था, या तो छोटा बच्चा था तो आपने उसे कितना इनसेंसिटिव बना दिया है ये बोल के कि बेटा वीडियो बनाओ, तुम्हारे घर के लोग मरे हैं, तुम्हें रोने से पहले तुम वीडियो बना लो फिर रोना, या पहले रो लो, जल्दी जल्दी रो के ख़त्म करो फिर वीडियो बनाना, काम आएगा हमारे, हम यूट्यूब पे डालेंगे डेड बॉडी की फ़ोटो। या तो जो अडल्ट है वो ऑलरेडी इतना इनसेंसिटिव है, आप आने वाले जनरेशन में क्या डालेंगे?
और ये जो इस सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर है जिन्होंने रेप एंड मर्डर केस पे ऐसे इनसेंसिटिवली बात की है, उसके बारे में तो क्या ही कहें, उनके तो चर्चे हैं भाई। पहले भी वो बहुत इनसेंसिटिविटी दिखा चुकी है, तो मेरा मतलब, और ऐसा एक दो केसेस नहीं है, बहुत सारे लोग हैं कि ऐसा कर रहे हैं, बट ये मतलब कुछ कहना ही नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं होते हैं कि इस बात को हम कैसे रखें अपने पास, अपने सामने या सबके सामने कैसे हम रखें, कैसे आप इतने इनसेंसिटिव हो सकते हैं, कौन सी मेमोरी आप बना रहे हैं, प्लीज़ लेट मी नो। मेरे भी दादा दादी नहीं रहे, जब मेरी दादी की डेथ हुई थी तब, जब मेरे दादाजी की डेथ हुई थी तब मेरे पास फ़ोन था, कैमरा था, हम तो नहीं उठाए अपना फ़ोन या अपना कैमरा, हाँ उस वक्त हम यूट्यूब पे नहीं थे, पर किसी भी कारण से उस वक्त की मेमोरी कह सकते थे ना, यूट्यूब पे नहीं डाली मेमोरी के लिए। डेड बॉडी के साथ कौन सी मेमोरी, वो इंसान चला गया, आपको आपको हिम्मत कैसी हो रही है, कैसे हो रहा है आपका हिम्मत, कैसे आपका दिल कर रहा है कि फ़ोन उठाओ और कैमरा ऑन करो, चलो कैमरा ऑन किया सो किया, एंगल कैसे आप डिसाइड कर पा रहे हैं, यहाँ से फेस दिख रहा है, यहाँ से बॉडी दिख रही है, यहाँ से ये दिख रहा है, यहाँ से वो रोने वाला इंसान दिख रहा है, हम तो यही कहेंगे आपके इमोशंस, आपका रोना धोना सब नाटक है, सब नाटक है, कुछ रियलिटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नाटक है। फिर चाहे इस वीडियो पे कितना भी हेट मिल जाए, आई डोंट केयर, कोई भी हेट कमेंट इस वीडियो पे आता है, कुछ भी आता है, आई स्वेयर आई एम नॉट गोइंग टू डिलीट इट, कहीं भी जाए मेरी ये वीडियो, कितना भी वायरल हो नहीं हो, आई डोंट केयर, बट आई रियली वॉन्ट टू नो कि आपको इतनी हिम्मत कहाँ से आती है कि आपके घर में कोई मर गया, कुछ हुआ ऐसा, और आप ऐसे आराम से वीडियो बना रहे हैं। आई डोंट वॉन्ट टू टारगेट, आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम, बट लोग समझ जाएंगे क्योंकि वीडियोज़ हैं उनकी अच्छी खासी, एंड जो दूसरी इन्फ्लुएंसर है उन वो भी समझ जाएंगे, अगर कोई ऐसा जो मेरे ऑडियंस नहीं है, छोटी सी मेरी फैमिली है, उसके अलावा अगर कोई देखता है ना तो वो समझ जाएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। पर आई रियली वॉन्ट टू नो कैसे हिम्मत हो रही है आपकी, बुरा नहीं लग रहा, मतलब एकदम आपने स्क्रिप्ट ऐसे बना के रखी है ना, आज इसकी वीडियो बनानी है, कल उस रिचुअल की वीडियो बनानी है, परसों उसकी बनानी है, क्या आप दिखा रहे हैं। शादी वगैरह के रिचुअल्स दिखाए जाते हैं तो आई अंडरस्टैंड, खुशी की बात है, सब शेयर करना चाहते हैं, डेथ के रिचुअल, आई नो लाइफ इज यू नो इज अनप्रेडिक्टेबल, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, डेथ इज द ओनली ट्रूथ, सबको पता है कल मेरी भी मौत हो जाएगी, कब होगी आई डोंट नो, मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी कितनी लंबी है, एक बार हम ऑलरेडी मौत के मुंह से बाहर आ चुके हैं, एक बार ऐसी बीमारी हुई थी हमको कि डॉक्टर्स वो कम दे कम्प्लीटली गिव अप कि हम नहीं कुछ कर सकते, तो आई नो कि लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, पर आप क्या दिखा रहे हैं, आई एम सरप्राइज, आई एम कम्प्लीटली सरप्राइज इन ऐसे लोगों के कारण, यू नो हम नहीं बनाना चाह रहे थे ये वीडियो, पर मेरे से रहा नहीं गया, ये हम पूछना चाह रहे थे, अब उनसे हम कैसे पूछे, नंबर लगा के तो नहीं पूछ सकते। तो प्लीज़ आप बताइएगा अगर कभी मेरी वीडियो आप तक पहुंचती है, या आपके चेलों तक, या आपके फॉलोअर्स तक, आपके जो फैंस हैं उन तक पहुंचती हो, दोनों इतने इनसेंसिटिव आप कैसे हो गए कि घर में डेथ होगी उसकी वीडियो बना रहे हो, अलग अलग एंगल से बना रहे हैं, हर एक अरे मतलब जलाया जा रहा है डेड बॉडी के लास्ट राइट, उस वक्त लोग शांत रहते हैं कि आत्मा को शांति मिले, अपना दुख दिखाए, आत्मा देखती, कहते हैं हमारे हिंदू धर्म में कि 13 दिन तक आत्मा घर में रहती है, देखती है कि लोगों को दुख है या नहीं है, क्या कहेगी वो आत्मा अगर ऐसा है तो, अगर ये मान्यता सच है तो वो क्या कहेंगे कि ये तो बस वीडियो बनाने के लिए सब नाटक कर रहे हैं, नहीं कहेगी ना, और तो नहीं मानेगी तो नहीं कि सच में दुख है, क्योंकि लग ही नहीं रहा है कि दुख है, दुख में कहाँ याद रहता है कि हमने क्या पहना, क्या खाया, फोन उठाना, कैमरा ऑन करना, कहाँ याद रहता है, घर में पाला हुआ जानवर मर जाए तो इतना दुख होता है, घर का कोई सदस्य चला जाए तो कितना होगा, क्या तमाशा कर रहे हैं आप लोग, एंड वो जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर हैं वो भी क्या तमाशा लगा रखा है, उस बेचारी के साथ कितना बुरा हो गया, ये आप ये हम ये कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ वही समझ सकते जिस पे ये बीती है, और उसका परिवार समझ सकता है वो दुख, उसे खोने का दुख, आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड,
कितने इनसेंसिटिविटी है लोगों में। और ये कोई एक कास्ट, एक रिलीजन, एक कंट्री, एक स्टेट की बात नहीं है, ये सिर्फ ह्यूमन सेंसिटिविटी की बात है और वो ख़त्म हो चुकी है लोगों में से। तो प्लीज़ अब जो भी इस वीडियो को अगर अगर आप तक पहुंचती है, विच आई रियली वॉन्ट कि आप तक पहुंचे, अगर पहुंचती है ना तो प्लीज़ बताइएगा कि क्या कारण है आपका इस तरह से डेड बॉडी के साथ वीडियोस बनाने का। वैलिड कारण, मेमोरीज़ वाली बात मत करना, मेमोरीज़ वाली बात को हटा के करना। और यू नो, जब एक वो ब्रूटल डेथ एंड मर्डर जो हुआ है, ब्रूटल रेप एंड मर्डर जो हुआ है, उस पर इस तरह से खुशी खुशी वाले वीडियोस बना के, देखो मैंने ये इयररिंग्स पहना है, मैंने ये ज्वेलरी पहनी है, ये मेरा मेकअप है, ये सारे वाले रील्स में वॉइस ओवर वो देना, क्या सूट कर रहा था क्या? मतलब बस आप टाइम पास कर दे, चलो एक ट्रेंडिंग टॉपिक है उठा लिया, बात कर ली। अब कोई देखेगा ये वीडियो तो कहेगा कि आप भी तो ट्रेंडिंग टॉपिक उठा के बात कर रहे हो, तो भाई आज रहा नहीं गया उस वीडियो को देख करके, उस रील को देख करके ना रहा नहीं गया मेरे से। सोचते सोचते सोचा कि चलो पूछ ही लें तो क्या कारण है आखिर, इतनी भूख है क्या पैसों की, क्या दिखाना चाहते हो कि हाँ जनरल नॉलेज रखते हैं सब चीज़ का, सारे चीज़ों का जनरल नॉलेज रखते हैं। हाईली डिसअपॉइंटिंग, बहुत ही इनसेंसिटिव चीज़ हुई है, बहुत ही इनसेंसिटिव काम किया आपने, कुछ बोलने ही नहीं। चलो बाय। अगर आप तक पहुंचती है वीडियो तो ज़रूर मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। बाय।